रिसेंटली काफ़ी सारा बंदे लोग का जो आइडिया हो 10-10 साल के लिए बैंड हुआ है, और मैं आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि गेम के अंदर 3.5 MB का एक पैच अपडेट आया है, और वो अपडेट आने के बाद 10-10 साल के लिए आईडी बैंड होना स्टार्ट हो चुका था। जब मैं वीडियो बनाया था सबसे अर्ली बनाया था, और मैं आपको बताया था उस टाइम आईडी बैंड होना स्टार्ट हुआ था, बट काफ़ी लोग का हुआ नहीं था उस टाइम। और मैं आपको वो वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको कोई ग्लिच दिखे, कुछ चीज़ दिखे, उसको एक्सप्लॉइट मत करना, हो सकता है कि आपका आईडी भी बैंड हो जाए। तो उस दिन मेरे पास उतना रीज़न नहीं था बताने के लिए किस लिए आईडी बैंड हो रहा, कैसे क्या हो रहा, बट मैं आपको आइडिया दिया था कि मत करना कुछ गलत चीज़, नहीं तो आपका आईडी बैंड होगा। तो फाइनली वो वीडियो मैं लेके आ चुका जिसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ऐसा चीज़ मैं रिवील करूंगा जो आज तक अपने YouTube या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे और आपको समझ आएगा कैसे ये चीज़, जो चीज़ आपको आगे से दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पीछे में भी चल रहा है, जिसके चलते ये चीज़ आज आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुआ, क्यों ये चीज़ हो रहा, और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ। तो आपको याद होगा 3.5 MB का अपडेट आने का कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि अभी शायद गेम के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ एक्शन देखने को मिलेगा क्राफ्टर की तरफ से, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर जो है वो बोलना स्टार्ट कर दिए थे ये प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर से ही केवल नहीं हुआ, उसका 1-2 महीना पहले से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन गया है हायर अथॉरिटीज़ को, और ऑब्वियसली हायर अथॉरिटीज़ का अगर इस तरह का इतना सारा कंप्लेन जाएगा तो वो लोग प्रेशर बनाएंगे क्राफ्टन के ऊपर, और यही चीज़ इंप्लीमेंट हुआ। इधर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना ये अभी नहीं हुआ है, लिटरली अगस्त जून से ये चीज़ हो रहा है। जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का नोटिस गया है हायर अथॉरिटीज़ को, और उसके बाद बोल सकते क्राफ्टन के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा है। ऑब्वियसली इतना सारा कंप्लेन जाएगा, बड़े बड़े क्रिएटर बोलेंगे, हम लोग तो बोलते ही रहता, छोड़ो हम लोग को तो इग्नोर करते रहता वो लोग। अब जब क्राफ्टन का प्रेशर पड़ा तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, तो वो लोग एक नया एंटी चीट को इंसर्ट किए गेम के अंदर, और उसके बाद हो चुका है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एंटी चीट में सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर सर्वर को ठीक करना है तो सबसे पहले सर्वर हैकर्स और जो ग्लीच है एक्सप्लॉइट कर उन लोग को बंद करना पड़ेगा। सर्वर का जो नॉर्मल चीज़ है जो करने के लिए बनाया गया उससे कुछ अलग कर रहे हैं, जिसके चलते सर्वर में इफेक्ट पड़ रहा है और वो ग्लीच बग एंड लैग आपको देखने को मिल रहा है। हैकर हटाने के चक्कर में आपको पता है काफ़ी सारा नॉर्मल बंदे का भी वाट लग जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्लेयर होता है और जो चीटर्स होता है ना उसमें डिफरेंस ये नॉर्मल सा ही लाइन होता है, उसमें से थोड़ा सा अगर आप इधर उधर कर लोगे तो आप भी चीटर्स वाला कैटेगरी में आ जाओगे और आपका भी आईडी बैंड हो सकता है। वैसे ही कुछ इसमें भी हुआ। अब ऑब्वियसली मैनुअली इतना लाखों बंदे का तो आईडी बैंड नहीं करेगा, उसमें बॉट सेट किया जाएगा एंटी चीट, और उसमें अगर आपका आईडी आ जाता है तो आपका आईडी 10 साल के लिए बैंड होता है। अब जो गेम ऑफिशियल या डिस्कॉर्ड में जाओगे तो वो लोग कुछ रीजंस देगा किसके चलते आपका परमानेंट आईडी बैंड हुआ, ये आप देखने को मिल रहा है। ये जो चीज़ है ये अभी से नहीं है, जब से गेम आया बीजा में तब से ये लोग कुछ स्टेटमेंट डाल दिया कैसे कैसे आपका आईडी परमानेंट या टर्मिनेट हो सकता है। ये कुछ रीज़न है जिसमें से कोई भी रीज़न में आपका अकाउंट कभी ना कभी लाइक किया है तो आपका आईडी जो है वो बैंड हुआ है। ठीक है, बट इन केस आपका इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं आपको और भी कुछ रीज़न दे देता हूँ, ये चीज़ में अलग अलग बंदे से बात करने के बाद पता चला। सबसे पहला जो मेन रीज़न है जिसके चलते आईडी बैंड हो रहा है वो ये है कि अभी रिसेंटली सीज़न स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोगों का कॉन्ट्रा जाना रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो गेम के अंदर जो लिमिटेड टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया गया 6 घंटा, तो आपको पता अगर आपको जल्दी से जल्दी कॉन्करर करना है तो आपको जो सबसे जल्दी टॉप 500 में जाना है सर्वर में, तभी जाके आप कॉन्करर कर सकते हो। तो अगर आपको टॉप 500 लेजिट वे में, लेजिट तो वो भी नहीं है बट बोल सकते हो बिना हैक यूज़ किए जाना है, तो आपको अपना जो खेलने का जो टाइम है ना वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 6 घंटा के बाद तो सबका आईडी बैंड हो जाता है, बट 6 घंटे को बाईपास करने का भी यूट्यूब में भर भर के ट्रिक है, और वो चीज़ काफ़ी बंदे किए हैं, पास्ट में भी किए, अभी रिसेंटली भी किए, तो उनका जो आईडी है ना वो बैंड हुआ है। जी हाँ, बैंड हुआ है। सेकंड रीज़न ये है कि काफ़ी लोग 2-3 आईडी से खेलते, क्योंकि उनको 6 घंटे से मन नहीं भरता, वो लोग 2-3 आईडी से खेलते, तो वो लोग एक आईडी में 6 घंटा कंप्लीट होगा तो दूसरा आईडी से स्टार्ट करते हैं, तीसरा आईडी, तो इससे क्या होता है कि गेम आप बार बार लॉगिन करो अलग अलग आईडी में, तो क्या हो रहा है जैसे आप 6 घंटा का लिमिट कंप्लीट कर उसका दूसरा आईडी में जा रहे हो ना, तो गेम को लग रहा है कि आप बाईपास कर रहे हो वही डिवाइस से, उसी टाइम आपका अकाउंट जो है वो बैंड मिल रहा है, और काफ़ी लोगों का जो आईडी और सेकेंड आईडी बैंड हो चुका है, जिससे चलता जो 1 घंटा भी नहीं खेला वो आईडी बैंड हो जाए, क्योंकि गेम को लग रहा है कि आपने अकाउंट में बाईपास किया है टाइम को। ठीक है, ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न ये है आपका नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि जब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना तो गेम क्या करता है कि बार बार आपका आईडी से सर्वर में लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो अगर आपका नेटवर्क उतना स्टेबल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो भाई अगर आप देख रहे हो लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा, छोड़ दो, मत खेलो भाई, अभी मत खेलो जब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो रहा। नेट अगर अच्छा स्पीड में चल रहा तब जाके आप लॉगिन करने ट्राई करो, और लॉगआउट करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आपका आईडी लॉगिन है ना तो उसी को रहने दो, लॉगआउट करो ही मत अभी, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बैन होने का वही आ रहा है कि भाई आप जब लॉगिन लॉगआउट कर रहे हो ना तभी जाके सबसे ज़्यादा बैन पड़ रहा है। थर्ड जो गलती है ना खासकर इंस्टाग्राम रील देख देख के बंदे लोग करते हैं वो ये है कि कुछ बग निकल के आता है तो भाई वो वीडियो बना देते बंदे लोग, वो देख के नॉर्मल बंदे भी उसको गेम के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखो जो बंदे वीडियो बना रहे हो अपना मेन आईडी तो उतना यूज़ नहीं करते, सेकेंडरी आईडी यूज़ करते, क्योंकि अगर वो बैन पड़ भी जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं है, और वो सबसे पहला बंदे होता है तो इसलिए गेम उस टाइम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट वीडियो जैसे वायरल होता तो काफ़ी लोग ट्राई करते तो सर्वर एंटी चीट का पता चल जाता है कुछ गड़बड़ हो रहा भाई इधर से, तो भाई वो बैन दे देता। तो इसलिए आपको सब चीज़ का नॉलेज है बट फिर भी आप कोई भी बग को एक्सप्लॉइट मत करो, रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल खेलो, टाइम पास करो, बंद कर दो और कुछ मत करो। बग ग्लिचेस आप इंस्टाग्राम रील में देखो, हाँ ऐसा हुआ, चलो अच्छा बात है, आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं तो बैन उधर से ही पड़ सकता है। ये काफ़ी बड़ा रीज़न है और ये रीज़न सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग किया गया था कि काफ़ी लोग एक्सप्लॉइट कर, जो हॉर्स उड़ाने का ट्रिक है, कुछ वैम्पायर बन के पानी के अंदर जाके हीलिंग चालू हो जा रहा है, वो भी एक बहुत सारे ट्रिक आजमा रहे, आईपैड व्यू का एक ग्लिच अचानक रन हो रहा, तो इस तरह का जो ग्लिचेस है ना काफ़ी सारा रन हो रहा है, तो जिसके चलते जो गेम का जो एंटी चीटर ना वो आपका धराधर आपका आईडी बैन कर रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा रीज़न आता है सर्वर ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो गेम कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है अपने आपको नहीं पता, बट ये जो गेम है ना आपको पता है टेंशन अपने सर्वर के लिए बनाया उसको ही बोल सकते हो, दूसरा सर्वर फिट करने की कोशिश किया जाता है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई काफ़ी सारा चीज़ें जो होता है ना वो पर्टिकुलर एक जगह के लिए बना हुआ रहता है, बट वो चीज़ अगर आप दूसरा जगह डालोगे ना तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। वही चीज़ ऐसे कुछ हो रहा है बीजेपी के अंदर, जब हम लोग का जो चीज़ें हैं वो आता है ना हम लोग का सर्वर में तो वो चीज़ ग्लिच के फॉर्म में आता है, और मेरे को पहले ही बताया था इतना ज़्यादा इन लोगों के पास टीम नहीं है ये सब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, नॉर्मल टीम बैठा के रखे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब तक ये ऑप्टिमाइज़ होता तब तक नया वर्जन आ जाता है, तो ऐसे करते करते जो ग्लिचेस एंड बग है ना वो आपको देखने को मिलता है। ऊपर से भाई सर्वर फ्रीज करना, डीडॉस अटैक करना, ग्लिच इंप्लीमेंट करना, जिसके चलते और जो सर्वर जो नॉर्मली चलने के लिए बनाया हुआ था ना वो और भी ख़राब हो रहा है, और इसी चलते ये बैन इंप्लीमेंट हो रहा है। काइंड ऑफ एक आइडिया हो गया कैसे ये चीज़ें वर्क कर रहा, तो अभी सबसे पहले क्राफ्टन वही लोगों को बैन दे रहा है जो बंदे थोड़ा भी इधर उधर कर रहे, तो और इसके चलते नॉर्मल प्लेयर का भी वाट लग रहा था, इसलिए ज्यादा लॉग आउट लॉग इन मत करो, अपना आईडी को बाईपास मत करो। अभी पॉपुलरिटी बैटल्स भी चल रहा है ना, तो इसके चलते लोग अलग अलग आईडी से एक ही आईडी को बोल सकते हो लॉग आउट लॉग इन कर रहे और पॉपुलरिटी भेज रहे, उसमें भी काफी लोग आईडी बैन हो रहा है। तो ये पॉपुलरिटी बैटल, ये तुम्हारा बोल सकते हो बाईपास करना, ये गेम के नज़र में एक फॉल्ट ही है जिसके चलते आपका जो आईडी है बैंड हो रहा है। ठीक है, गेम खेलने टाइम एटलीस्ट 5G यूज़ मत करो, क्योंकि 4G आप यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर होगा, वो थोड़ा स्टेबल रहेगा, तो 4G या वाईफाई से खेलो ज़्यादा बेटर होगा, 5G काफ़ी जगह स्टेबल नहीं है जिसके चलते नेटवर्क ऊपर नीचे होता है तो बैंड हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो सकता है जो चीज़ पता नहीं है, बट ध्यान से रखोगे तो आपका आईडी बैंड कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब बंदे का ही आईडी बैंड हो रहा, नहीं यार, काफ़ी लोग सही से खेल रहे हैं, उसका आईडी सही है। अगर आपको काफ़ी डर लग रहा है तो आप गेम को कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हो, पबजी खेलो, मैं क्या बोल सकता, अगर आपको पबजी खेलना तो पबजी खेल सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इधर तो भी वैसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे रीज़न बैकएंड में भी चल रहा है। ठीक है, चलो इतना रखते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।